गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉर्म वॉरियर्स। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। आई नो थोड़ी लेट हो गई, वो पार्टी का हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं। अच्छा, आप सब ने क्या रेजोल्यूशन लिया कमेंट में बताना। बाकी आप सब और आप सबकी फैमिली खुश रहे, हेल्दी रहे एंड वाइब करती रहे, ये मेरी बेस्ट विशेज है। बात बाकी आओ बताती आज की वीडियो के बारे में। वैसे अभी रिसेंटली ही EM2 की वीडियो आई थी एंड इस बार मेरे पास 3 गन्स में थे, वो भी बिल्कुल सुपर से ऊपर। तो चलो पहले वाले के बारे में बताती हूँ। ये AR बेस्ड है, ये वैसे इसकी मोबिलिटी प्लस रिलोड स्पीड प्लस रिकॉल, ये तीनों थोड़े डाउन है। ये मैनोवर वाली कैटेगरी में लाइक करता है इस वक्त, इसीलिए इसके बिल्ड इन तीनों को ध्यान में रख के बनाया है, जिससे रैंक में मार खा के इधर उधर ना पड़े बोले। और दूसरी LMG बेस है, वो अभी ट्रायल में है, टेस्टेड होने के बाद दिखाऊंगी एंड अब तक तो कहर ही ढा रहा है। एंड थर्ड न्यूकर्स फेवरेट विथ सप्रेसर, हालांकि आई डोंट फील कंफर्टेबल विथ इट्स डिफॉल्ट साइज, तो मेरी सारी बेल्ट में डेथ डॉट मस्ट है, डिफॉल्ट वन इज काइंड ऑफ बल्कि, तो मैंने फर्स्ट एंड थर्ड इसी वीडियो में यूज़ किया है एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये बेल्ट। एंड एक चीज़ और है, इसकी बेस मैग कैप 20 है, तो एम्यूनेशन के लिए मैग लगेगा ना मामू। और तुम्हारा एम अगर एवरेज है ना तो भी ठीक है, बट अगर बुलेट्स मिस ज़्यादा करते हो तो बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अरे अरे मजाक था रे बाबा, हंसी हलकट हंस। अरे सच्ची, इसकी किक इसके अप्पा के स्कूटर से भी ज़्यादा है, ट्राई करके देखो। अभी मेटा है इसलिए समझ नहीं आ रही है, बट जिसने भी HBRA3 मेटा स्टेट में यूज़ किया है ना, वो रिलेट कर सकता है। भाई क्या थी और क्या हो गई, बाकी एक मिनट दो में आती और भागे तो गन पे बैठा के मारूंगे। तो लीजिए, ये रही गन्समिथ सेटअप स्लैश बिल्ड, जो कह लो। यूज करके बताना कैसी लगी। बाकी न्यू ईयर पार्टी की पिक्स नहीं दी तुमने, कब दे रहे हो? DC में शेयर करना, वेट करूंगी। तब तक के लिए इस नए साल में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मजे करते रहिए स्टॉर्म वॉरियर्स के साथ। सी या।